नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज का मुद्दा है जनता के मन में क्या है। इसे जानने के लिए हमने पर्सनल इंटरव्यू किए, पैनल डिस्कशन करवाया और लोगों से सवाल लिए। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं पर्सनल इंटरव्यू। मोदी जी की इतनी हवा है, इतनी बड़ी उनकी जो है शख्सियत है, तो आखिर ये बीजेपी साफ क्यों हो गई? साफ क्यों हो गई दिल्ली से? 67 सीट बहुत ज़्यादा होती है, आप बताइए इसके बारे में। नहीं देखिए, बीजेपी अपने 36% वोट के लिए जिम्मेवार है जो उसका दिल्ली में था। बीजेपी ने उस 36% वोट को रिटेन किया है। 36% मुझे नहीं लगता है, 32 है शायद। आप शायद बीजेपी ने 34 to 36 जो भी है जो आप है, बीजेपी ने अपने विधानसभा में जो उसका अपना वोट था उसको रिटेन किया है। बीजेपी का जो विरोधी मत का बिखराव था वो कांग्रेस ने अपना पूरा का पूरा वोट आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर किया। और जब आप देखिए, अब आप अपने अपोनेंट को वॉकओवर दे रहे हैं तो इट इज नॉट ए फेयर मैच। ये आप कैसे कह सकते हैं कि वॉकओवर दिया गया है? बिल्कुल, कांग्रेस का 25% वोट था, वो 8% वोट पे आ गई। नहीं तो कांग्रेस तो सरकार तो कर रही थी ना। नहीं, कांग्रेस ने ये चुनाव सीरियसली लड़ाई नहीं, इट वॉज सिंपली अ वॉकओवर। कांग्रेस ने देखिए, इसको मैं ये कहता हूँ कि इट वॉज अ सुइसाइडल अटेम्प्ट। ये सुइसाइड थी, मतलब यह एक बम बन गया। यह मोदी को मारने के लिए, दिल्ली में भाजपा को मारने के लिए कांग्रेस का आत्मघाती हमला था। और जिसमें के बारे में क्या? नहीं, मेरी बात सुनिए, ये कांग्रेस का आत्मघाती हमला था। उसने अपना 25% वोट से वो 8% पे आ गया और अपना सारा का सारा वोट केजरीवाल के शिफ्ट किया है। मोदी ने या बीजेपी ने दिल्ली में अपना वोट लूज नहीं किया है। जी हाँ, लेकिन केजरीवाल के बारे में मोदी देखिए, केजरीवाल की कोई पॉपुलैरिटी नहीं था। वो फोर्ड फाउंडेशन का एक स्टूज है जिसे जो नक्सलिज्म आज तक दूर दराज के वो जंगलों में था, उसे दिल्ली तक लाने का, दिल्ली के अंदर नक्सलिज्म, नक्सलाइट को दिल्ली में लाया गया। ही इज ए नक्सलाइट। और केजरीवाल वो नक्सलाइट है जिसे बस्तर के जंगलों से उठा के दिल्ली में प्लांट किया गया। आइए कांग्रेस के समर्थक से बात करते हैं कि उन लोगों के मन में कांग्रेस के प्रति क्या आज छवि है। आइए, आप लोगों के बारे में सबसे बड़ा एलिगेशन ये है कि दिल्ली चुनाव में आप लोगों ने पूरी तरीके से नॉन सीरियस होकर चुनाव लड़ा, क्या कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल सरासर गलत है ये, मैं इसका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। क्या कैसे सकते हैं आप कि हमने सीरियसली इसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया? अरे आपका जो सारा वोट बैंक ट्रांसफर हो रहा है दूसरे पार्टी को, ये बिल्कुल गलत है। और आपका तो आपने विरोधी नहीं किया ढंग से, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई भी ट्रांसफ़र जैसा शब्द आप कैसे कह सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना वोट ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ऐसा तो मैं नहीं लगता कि किसी ने भी कहा होगा। क्यों अभी तक समर्थन कर रहे हैं आप कांग्रेस का एज ए आम नागरिक? ठीक है, आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, लेकिन अभी तक इनका दामन थामे हुए, जबकि आज तो सब ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, दल बदल रहे हैं लोग। देखिए, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और कांग्रेस का खून इस देश की ज़मीन में जा चुका है और वो कभी नहीं मिटेगा, चाहे आप उसके लिए कुछ भी प्रयास कर लें। और यह ज़मीन का जुड़ा हुआ जो खून रक्त हमारे रगों में दौड़ रहा है, इस पूरे देश में दौड़ रहा है, और हम उससे कभी 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 अलग नहीं होंगे। और इस देश का भविष्य केवल और केवल यही एक पार्टी है जो वास्तव में भविष्य उसका उज्ज्वल बना सकती है, और कोई भी नहीं। संघ के विचारक, संघ के जानकार से मिलते हैं राकेश कुमार से। स्वागत है राकेश जी आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, तो हमारा जो पहला प्रश्न है आपसे वो ये है कि आरएसएस और बीजेपी के क्या संबंध है? आरएसएस कितना प्रभावित करती है बीजेपी के वैचारिक तथा निर्णय लेने के मुद्दे पर? देखिए, आरएसएस और बीजेपी का वैचारिक और सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी संबंध है। आरएसएस की जो भावना है राष्ट्रवाद की और उसके जो विचार हैं वो बीजेपी अपनाती है, उसी पर चलती है, उसी से देश का कल्याण भी है, हमारे भारत का कल्याण उसी के थ्रू है, ऐसा बीजेपी मानती है, यही संबंध है हमारे। हमारे साथ हैं औद्योगिक जगत से श्री एस एन झा जी। हम इनसे पूछते हैं कि मोदी जी के गवर्नमेंट से ये कितने खुश हैं और निवेश के प्रति क्या माहौल है भारत में? देखिए, निश्चित तौर पे जब से ये एनडीए की सरकार बनी है
और मोदी जी ने एक कैंपेन लॉन्च किया है मेक इन इंडिया, तो निवेशकों में एक उत्साह का माहौल है। आप देखेंगे सैमसंग ने 10 नए एमएसएमई स्कूल खोलने का प्रस्ताव दिया है, हुआवे ने बहुत सारे प्रस्ताव दिए हैं। इसके अलावा अभी हाल के यूएस दौरे को अगर हम देखें तो फेसबुक के दफ्तर में जब मोदी जी ने गए और वहाँ जिस तरह से भव्य स्वागत किया गया, उन्होंने भारत में निवेश करने का प्रस्ताव दिया, गूगल ने भारत में निवेश करने का प्रस्ताव दिया, और मोदी जी ने जितने भी दौरे किए हर जगह से कुछ न कुछ निवेश का प्रस्ताव आया है। तो ये उद्योग जगत के लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सकारात्मक प्रयास दिख रहा है, और ये उद्योग भारतीय उद्योग जगत के लिए काफ़ी अच्छा है। अब आइए जनता के सवालों को लेते हैं। ये सवालों की सारी श्रृंखला है, सारे सवाल एक तरफ, उसके बाद इन सब पर डिस्कशन। कांग्रेस से ये सवाल करना चाहती हूँ कि अगर उनके हिसाब से मोदी इतने बुरे हैं तो हर तरफ उनकी ही जीत क्यों हो रही है? मैंने दिल्ली को पूर्ण स्वराज देगा, लेकिन कब लाएंगे? सर, कांग्रेस के लीडरशिप पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, तो आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? कि मोदी जी ने वादा किया था कि वो काला धन इंडिया में ले आएंगे और सब भारतीय के अकाउंट में 15-15 लाख ट्रांसफर करेंगे, लेकिन वो धन कब आएगा? अभी तक तो आया नहीं। आरएसएस को हवा आतंकवादी क्या कहना? अरविंद केजरीवाल जी से है। दिल्ली चुनाव के समय उन्होंने दिल्ली की जनता से जो ये वादे किए थे कि वो दिल्ली की सड़कों पे लाखों कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे, क्या हुआ उन कैमरों का? दिल्ली की सड़कों पे तो अभी तक एक भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। मैं एक कामकाजी महिला हूँ, वैसे मुझे मोदी जी पर पूरा भरोसा है, लेकिन इस समय बढ़ती महंगाई के कारण हमारी रसोई का बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है। मुझे ये जानना है, मेरा ये सरकार से सवाल है कि इस बढ़ती महंगाई, इस कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार कौन से कदम उठा रही है? देश में कई मुद्दे हैं, फिर ये राम मंदिर का मुद्दा ही क्यों? सिर्फ केजरीवाल जी से इतना सवाल है कि वो जिस आधार पर उन्होंने महिला सुरक्षा को लेके वादे किए थे वो तो दिख नहीं रहे हैं। अब इन्हीं मुद्दों पर चर्चा देखिए। आज का सबसे ज्वलंत सवाल कि आज के दौर में सबसे ईमानदार नेता कौन है, आइए हम जानना चाहते हैं। हमारे साथ हैं आज भाजपा के बहुत ही घनिष्ठ और वरिष्ठ समर्थक श्री अजीत सिंह जी। और आम आदमी पार्टी के प्रमुख श्री विनय तिवारी जी। और इधर कांग्रेस के हमारे साथ गौरव जी। सर, आप बताएं आपकी नज़र में सबसे ईमानदार कौन है? देखिए भाई, मेरा तो शुरू से एक स्टूडेंट रहा है, इस सृष्टि का सबसे ईमानदार आदमी हमारे अरविंद भाई केजरीवाल है। मतलब महाराजा हरिश्चंद्र पौराणिक काल में जब उस स्वर्ग सिधारे तो उनकी आत्मा जो है लाखों सालों तक भटकती रही। वो इस तो देखते रहे कि महाराजा हरिश्चंद्र के लायक कोई व्यक्ति मिले तब हम उसके अंदर ढुकें। तो ज्यों अरविंद केजरीवाल जी का जन्म हुआ तो महाराजा हरिश्चंद्र की आत्मा केजरीवाल जी में घुस गई है। और वो सिर्फ इस सृष्टि के सबसे ईमानदार आदमी नहीं है, वो पारस पत्थर हैं, वो जिसको छू देते हैं वो भी ईमानदार हो जाता है। अब देखे ना, जगह बिहार में छुए हैं लालू जी, एकदम ईमानदार हो गए एकदम। अब इस सृष्टि में दुनिया में सबसे ईमानदार आदमी दो आदमी, एक केजरीवाल जी, दूसरे लालू जी। जी जी, मेरे बीजेपी के समर्थक भाई ने बहुत ही अच्छी बात कही है, एक प्रकार से कटाक्ष कहा है, लेकिन अगर ये अच्छा होता, ये अच्छा है कि ये कटाक्ष को अगर स्वीकार कर लिया जाए। मैं इसे स्वीकार करता हूँ क्योंकि इसे उन्हें मानना होगा। ये बताना भूल गए कि ईमानदारी का ओलंपिक हुआ था उसमें सब लालू वालू जी सब आए थे। जी, जब ईमानदारी की दौड़ हुई तो केजरीवाल जी उसमें फर्स्ट आए थे, तो वही गोल्ड मेडल वो चमकाते हैं। और इसको कहते हैं सेल्फ स्टाइल ईमानदार, स्वयंभू, मतलब खुद अपने को सर्टिफिकेट देना। ये जी जी, तो ये इसको कहते हैं सेल्फ स्टाइल ईमानदार। और इनकी ईमानदारी का एक बात बता दूं, जैसे सोना कैरेट में नापा जाता है ना, तो केजरीवाल जी 24 कैरेट ईमानदार हैं एकदम। और वही बात है, लालू जी को छू दिया तो वो भी 24 कैरेट हो गए। भाजपा और आम आदमी पार्टी के बाद हम विचार जानना चाहेंगे कांग्रेस का। हमारे गौरव दुबे जी कांग्रेस के बहुत ही बड़े समर्थक, उनसे हम जानना चाहेंगे। गौरव जी, जहाँ तक प्रश्न ईमानदारी का है, अक्सर ये कहा जाता है कि क्या सीना चीर के दिखाऊँ मैं ईमानदारी दिखाने, तो क्या सीना चीर के दिखाऊँ मैं? मुझे नहीं लगता कोई ऐसी पार्टी होगी जिसके पूरे खानदान ने अपनी जान दे करके अपनी निष्ठा इस देश के प्रति दिखाई हो, वो है कांग्रेस पार्टी। याद करिए, याद करिए इंदिरा गांधी को,
जिसने अपनी जान देकर के इस देश की सेवा की। याद करिए राजीव गांधी को, जिसने अपनी जान देकर ईमानदारी दिखाई। ईमानदारी की बात कर रहे हैं। गौरव जी, यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। अजीत सर हमारा कुछ कहना चाहते हैं। मलाई खाते खाते भी जान दी जाती है, आपको मालूम है ना। एक आदमी इतना मलाई खाया, इतना मलाई खाया, इतना मलाई खाया कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, जान दे दिया, पर मलाई खाने से बाज नहीं आया। तो ये परिवार मलाई खाते खाते जान दिया है। इतना मलाई खाए, देश की इतनी मलाई खाए कि एक दिन मर गए। जब मरे तो हाथ और मुंह मक्खन से सना हुआ था। मैं बताना चाहूँगा कि हाथ और मुंह मक्खन से न सना होके खून से सना था। मलाई खाने वाले अभी भी खा रहे हैं और बड़ा बड़ा भाषण दे रहे हैं, और जब उनके भाषण खत्म होते हैं तब जनता चिल्लाना शुरू करती है और उसको कोई नहीं सुनता, उसको कोई नहीं सुनता। और सबको पता है कि किस प्रकार से अपने खून से, वहाँ मलाई नहीं वहाँ खून था, और आज भी वहाँ प्रमाण है, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। देखिए वो खून वो इनकी अपनी करनी, जो इन्होंने अपनी गलतियां की थी, जो इनकी ब्लंडर्स थी, और वो खून उनका खून नहीं था, देश का खून था। इनके खून की कितनी बड़ी कीमत देश ने चुकाई है, वो 1984 के दंगों का खून था। वो इन्होंने जो पूरा पंजाब जी, अब थोड़ा पूरा पंजाब जो 10 साल आतंकवाद की आग में जला, हम सर उसका रोकना चाहेंगे। थोड़ा सा हम आम आदमी पार्टी के विनय जी से हम जानना चाहेंगे, आखिर वो भी कुछ कहना चाहते हैं। जी, मेरा कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही देश का भंटाधार किया है, और ये दोनों अपने करतूतों को छुपाने में लगे हुए हैं। 60 साल कांग्रेस ने राज किया, और बीजेपी अभी जो वर्तमान में है, अभी मोदी के आप पॉलिसी को देख ही रही हैं, किसान विरोधी पॉलिसी है। और जहाँ तक रही अरविंद केजरीवाल की बात, मैं कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया में सर्वे हुआ था, मोदी जी और जब प्रधानमंत्री के लिए उतरे थे मैदान में, तो सर्वे में पाया गया कि कहीं ज़्यादा ईमानदारी के ऊपर ये सर्वे हुआ था, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस बात को सिद्ध किया कि अरविंद केजरीवाल को कई लोग ईमानदारी में ज़्यादा विश्वास करते हैं। बीजेपी के बारे में क्या बात किया जाए, उसकी तो सारी नीति ही संघ द्वारा निर्धारित होती है। आरएसएस की बात करें तो आरएसएस के स्वयंसेवक हर पार्टी में हैं, हर पार्टी में उनके स्वयंसेवक हैं, और ये आप अगर चाहें तो आप छानबीन कर सकते हैं। विनय जी, भाजपा की पॉलिसी आरएसएस ही बनाती है ना, कोई विदेश में बैठा संगठन नहीं बना रहा है। आपकी पॉलिसी तो फोर्ड फाउंडेशन बना रही है। आप विदेशी पैसे से चलने वाली पार्टी हैं, आप विदेशी एजेंडा देश में लागू कर रहे हैं। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संस्था है, राष्ट्रभक्तों की संस्था है, आपकी तरह फोर्ड फाउंडेशन से गवर्न नहीं। ये आरएसएस और भाजपा की जो हम बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं, ये उसी समय से नौटंकी दिखा रहे हैं जिस समय उन्होंने गांधी जी को गोली मारी थी। अब और मुझसे मत कुछ कहवाइए, बस। नहीं नहीं, अब इसका जवाब मुझसे सुन लीजिए। सुशील शर्मा ने नैना साहनी की हत्या की थी, तो हत्या कांग्रेस ने की थी कि सुशील शर्मा ने की थी? वो सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी की हत्या की थी, कांग्रेस ने नैना साहनी की हत्या नहीं की थी। गोडसे का कृत्य उसका अपना एक निजी कैपेसिटी में किया गया क्राइम था, आप उसको संघ से मत जोड़िए। और जब जांच हुई, संघ पर प्रतिबंध लगा और जांच हुई, और 2-1.5 साल के अंदर सरकार को इस प्रतिबंध को हटाना पड़ा था। गोडसे का कृत्य उसकी पर्सनल कैपेसिटी में किया गया एक क्राइम था, आप उसको संघ से रिलेट कैसे कर सकते हैं? तो हुई पार्क की चर्चा, गली मोहल्ले की चर्चा। अब इसी चर्चा को हम ले चलते हैं स्टूडियो में, और अब आगे देखिए स्टूडियो में क्या होता है। नमस्कार, आपका स्वागत है एनटीवी 24x7 न्यूज में। आज का जो प्रोग्राम है दस्तक, इस दस्तक प्रोग्राम में आज हम लोगों ने जो चर्चा रखी है, वो चर्चा का विषय है कि आज भारत में पूरे पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति जनता का क्या राय है। तो जनता सबसे ज़्यादा आज अगर सवाल पूछती है तो सबसे ज़्यादा अकाउंटेबल आदमी से पूछती है, और अगर देश में सबसे बड़ा कोई अकाउंटेबल व्यक्ति है तो वो है आज श्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। तो 2014 के चुनाव में उन्होंने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, जनता ने उन्हें प्यार दुलार के साथ सिंहासन पर बैठा है। तो मैं पहला सवाल बीजेपी से पूछना चाहता हूँ कि क्या जो उन्होंने जनता को वादों का जो तोहफा दिया था वो रियलिटी में कब कन्वर्ट हो रहा है, इसके ऊपर समग्र रूप से कुछ कहना चाहेंगे, विचार देना चाहेंगे। श्री अजीत सिंह जी,
देखिए, इन टोटैलिटी बीजेपी ने इलेक्शंस का जो मेन प्लान था वो था डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस। इन दो मुख्य मुद्दों पर भाजपा ने चुनाव, और डेवलपमेंट और गवर्नेंस ये इश्यूज एक दिन में, एक महीने में या एक साल में अचीव करने वाले नहीं होते। डेवलपमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ये लंबे समय तक कंसिस्टेंटली और परसिस्टेंटली काम करने से ही अचीव होगा। डेवलपमेंट ग्रास रूट लेवल से शुरू करना है, और डेवलपमेंट के कई सारे विषय हैं, उन सबको गवर्नमेंट एड्रेस कर रही है। डेवलपमेंट के इशू पे हमें रातों रात रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। डेवलपमेंट और पैचवर्क में अंतर होता है। एक सड़क टूटी हुई है और पिछले 68 साल से टूटी हुई है, आप रातों रात उस पर पैचवर्क कर सकते हैं। एक टूटी हुई सड़क जो पिछले 68 साल से टूटी है, आप उसे रातों रात पैचवर्क कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। परंतु एक ऐसी सड़क बनाना जो अगले 20 साल तक नहीं टूटेगी, उस सड़क को बनाने के लिए आपको मिनिमम 3 से 5 साल देने पड़ेंगे। मेरा ये कहना है, अभी इन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि एक सड़क जो है जो टूट जाती है उसको तुरंत नहीं बनाया जा सकता है, अच्छी सड़क बनाने में समय लगता है। क्या एक ऐसी भी सड़क हो सकती है जो केवल इमेजिनरी हो, एक इमेजिनरी सड़क जो कई वर्षों तक बनती जा रही है जिसका कोई अता पता नहीं है, एक ऐसा गवर्नेंस जिसमें हम प्रश्न तो कर रहे हैं, बातें तो कर रहे हैं कि बहुत अच्छे विचार ले आए, ऐसे कोई चीज़ ले आए जिससे कि अच्छा गवर्नेंस हो, पर हो कुछ नहीं रहा। दुरुस्त बात कर रही है आपने, वही बात है ना, जस्ट एन इमेजिनरी। आप रातों रात रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 68 साल से सचमुच आप विकास की सड़क बना रहे थे, 68 साल से बन रही थी, आज भी बन रही है, वो कहाँ है 68 साल से? आपकी जो 68 साल आप लोग दोनों ने अपनी बात रखी, मैं इसी का इम्पैक्ट आम आदमी पार्टी अपने तरफ से क्या इंटरप्रेट करती है, क्या व्याख्यात करती है, मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूँ। आपको भरमाया अपनी सत्ता, अपने को सत्ता में लाने के लिए, बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए, और ये झूठे वादों का पुल खुल रहा है। आप कह रहे हैं कि वास्तविक धरातल पर कोई भी चीज दिख नहीं रही, लेकिन आपने आपने भी ऐसी ही चीजों की वादों की फेर हिस्त करके आप आए। आप क्या बात कर रहे हैं, आप जाकर देखिए दिल्ली में, नहीं वो विकास के कार्य हो गए। बीजेपी और कांग्रेस की बात है, उसके एलिगेशन में कोई सबूत नहीं, कोई तथ्य नहीं है। शीला दीक्षित का जो 302 पन्नों का सबूत था, वो तो सबूत ही आधार था, वो पता नहीं कहाँ गया। अभी मामला कोर्ट में चल रहा है। नहीं देखिए, आप हमको बोले शीला दीक्षित के खिलाफ इतना मोटा आपके पास 300 पन्ने पार्टी की स्थिति तो आप जान ही रहे हैं, फ्री में दे करके लालच दिया इन्होंने, जिस प्रकार से सपा पार्टी लैपटॉप का लालच दे रही है उसी प्रकार से इन लोगों ने फ्री की बिजली, और फ्री का क्या होता है, फ्री के लालच दे करके इन्होंने जीत लिया। अब इनको एहसास हो रहा है कि क्या इनकी दुर्गति हो रही है। मुझे जहाँ तक लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जनता के लिए, जनता के भलाई के लिए कभी सोचती नहीं है। लगता है कि दिल्ली में जिस प्रकार की शासन व्यवस्था इस वक्त आम आदमी पार्टी चला रही है, जनता बहुत खुश है, असंतुष्ट है। एक बार मौका देना चाहिए कि वह हर राज्य में अपनी सरकार बनाए और भ्रष्टाचार मुक्त भारत दे, क्योंकि ये सपना केवल अगर कोई सही में दे सकता है, बना सकता है, तो वह केवल आम आदमी पार्टी और कोई नहीं। हाँ, तो इनका सवाल है कि कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल क्यों उठते हैं, लीडरशिप पे सवाल क्यों उठते हैं, जवाब दीजिए। देखिए, सवाल की बात सुनने के लिए सब लोग बैठा हुआ है, काम कुछ नहीं हो रहा है। मन की बात सुनने में जनता खुश है तो फिर लीडरशिप पे कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ मन की बात किए बिना चुपचाप आदमी काम कर रहा है तो वहाँ लीडरशिप पे क्वेश्चन है। ये बीजेपी से सवाल है कि 15 लाख रुपए कब आप जमा करवा रहे हैं? रुपया आएगा। देखिए, उन्होंने क्या कहा था कि भारत का विदेशों में इतना धन जमा है कि यदि उस पूरे धन को देश में ले आया जाए और
देश के विकास में लगाया जाए तो हर व्यक्ति के हिस्से में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। यह इतनी बड़ी धनराशि है, कभी भी ये नहीं कहा गया कि वो 15 लाख रुपए किसी के खाते में जमा हो जाए। सभी को मैं एक एक मिनट का समय दूंगा और सभी अपनी बात कह लें। तो शुरू हम करते हैं श्री अजीत जी से, तो एक मिनट का समय। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी की गवर्नमेंट को देश की सत्ता पे आसीन किया है। मैं ये कहूँगा कि वो मोदी जी गवर्नेंस के इशूज पर और डेवलपमेंट के इशूज पर बहुत काम कर रहे हैं। उनको जनता से एक ही अपेक्षा है कि वो पेशेंस रखें और मोदी जी को काम करने के लिए समय दें। कहाँ से आया था वो, काला धन लाने वाला था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको देश की फिक्र सताती, वो बस विदेश के दौरे लगाता, दुनिया भर में इज्जत बेचता था वो। हमको बढ़ती महंगाई सताती, वो बस मन की बात सुनाता, हर वक्त अपनी सेल्फी खींचता था वो। दाऊद बुलाने वाला था वो, मंदिर बनाने वाला था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। कविता, काफ़ी आपके बस। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और बीजेपी धराशाही हुई। इसका इससे यही प्रमाणित होता है कि जनता ने बीजेपी की सरकार बनने के बाद, लोकसभा में उसकी उनकी सरकार बनने के बाद उस पर विश्वास नहीं जताया। हालांकि हमारे पास समय तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस काफ़ी बेचैन है और कांग्रेस की तरफ से जरूर कुछ पूछना चाहिए, जरूर पूछिए। बीजेपी के पाले में दी है और उस गेंद को इसके अंदर प्याज भर दिया है इन लोगों ने, प्याज भर के अपने पास बेचैन है। इन्हीं लोग सूदखोर हैं, यही लोग जमाखोर हैं, इन्हीं के लोग जमाखोर हैं भाजपा के, इसलिए बार बार प्याज हमें आपसे बुलाता है। आपने देखा पर्सनल इंटरव्यू, जनता के सवाल, जनता के ओपिनियन, सड़क पे हमारी चर्चा और स्टूडियो में चर्चा। इन सारे चर्चाओं के बाद आपको क्या लगता है? मुझे तो एक बात लगती है कि राजनैतिक बातों पर जब चर्चा होती है तो ऐसा लगता है दो मुर्गों की लड़ाई हो रही है और अंत में क्या होता है, हम खुद मुर्गा बन जाते हैं। नमस्कार।